ट्रक ड्राइवर चिकन करी। मजार नाम के गांव में पटवारी नाम का एक व्यक्ति लॉरी ड्राइवर के जैसे काम करता था। उसके पास क्लीनर के जैसे काम करने के लिए लोग उतावले होते थे। उसका कारण उसका बनाने वाला चिकन करी है। एक बार पटवारी के पास उसका मोटा भांजा विजयकांत आया। उसे देखकर पटवारी, क्यों रे कांत, ऐसे आए, कॉलेज नहीं गए क्या? ये क्या रे, एक स्टूडेंट होकर ऐसे सिलेंडर के जैसे मोटे हो रहे हो, हट्टे कट्टे हो, जिम जा सकते हो ना? कहा विजयकांत। क्या मामा, आप भी ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसे ही साल में सिर्फ 4 बार कॉलेज गया था, इसलिए कॉलेज वाले निकाल दिए। घर में रह के क्या करता, इसीलिए खाना खाया और जरा सा मोटा हुआ बस। कहा पटवारी। अब ये बकवास मुझे क्यों, वैसे क्यों आए हो वो बोलो पहले। कहा विजयकांत। कुछ नहीं मामा, घर में खाली बैठा तो मेरी माँ यू सांड के तरह बैठे रहने से अच्छा कोई काम कर सकते हो ना बोली, इसलिए कहीं और क्यों तुम हो ना, तुम्हारे साथ ही लॉरी में आऊँगा। हमारे क्लीनर विष्णु के साथ मिलके तुम चिकन अच्छे से बनाते हो ना, उसे खाते हुए एंजॉय करूँगा, ले जाओगे क्या? कहा पटवारी। तब ओ, इसी के बारे में तेरी माँ ने मुझे बताया, वैसे औरतों को कुछ नहीं पता रे, एंजॉय करने की उम्र में एंजॉय करना है। तुम आ जाओ, विष्णु से कहता हूँ जिंदगी को भरपूर एंजॉय करो, कहकर चला गया। अगले दिन विष्णु, पटवारी, विजयकांत तीनों मिलकर लॉरी में लोड डालकर निकले। ऐसे थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल के बीच में एक गांव के बाहर पटवारी ट्रक को रोककर चिकन बनाना शुरू किया। उसके महक से वहाँ पास में रोड बनाने वाले लोग आए। उनमें से किशन नाम का एक व्यक्ति, क्यों पटवारी भाई, इतने दिनों के बाद हम पर दया आई क्या? बहुत कोशिश करने पर भी तुम्हारे बनाए जैसे चिकन का स्वाद नहीं आ रहा है, तुम उस चिकन में क्या मिलाते हो? कहा पटवारी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, पेट भर के खाओ। कहा उसके बारे में सुनकर विजयकांत, मामा ये अन्याय है, मैं चिकन हमारे लिए सोचा था, मगर आप इतने लोगों को बुलाए क्या? इन्हें जाने के लिए कहो, हमें बस नहीं होगा। कहा पटवारी। अरे तुम्हारे बारे में भूल गया, कहकर किशन से पटवारी, ये मेरा भांजा है, पढ़ाई करना छोड़कर ऐसे आवारा घूम रहा है, अब मैं इसे आपके हवाले करूंगा, 1 महीने के बाद आऊंगा, इसके साथ ये रोड बनाने के काम करवाकर इसे निचोड़कर पतला बना दो, तब मैं आपको बिरयानी पार्टी दूंगा। कहा विजयकांत। ये क्या मामा, ये अन्याय है, मैं अभी घर जाऊंगा। कहते ही किशन वाले विजयकांत को पकड़कर रस्सियों से बांध दिए। बाद में सब मिलकर चिकन के साथ भोजन किए। पटवारी विष्णु से मिलके अपने लॉरी में चले गया। किशन वाले विजयकांत को ले जाकर उसे खड्डे खुदवाना, पेड़ कटवाना और पत्थर उठाने जैसे रोड बनाने के काम करवाने लगे। अगर वो थककर बैठ जाता तो वो लोग उसे लठों से मारते थे और ऊपर से खाना भी बहुत कम देने लगे। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही विजयकांत बहुत पतला हो गया। बाद में किशन वाले पटवारी को विजयकांत सौंपे। पटवारी उन्हें बिरयानी और चिकन करी बनाकर दिया। उसे खाकर वो लोग खुशी से चले गए। अब पटवारी से विजयकांत, मामा चिकन करी के आस में आए तो मुझे 1 महीना टॉर्चर करोगे क्या? तुम्हें इंसानियत नहीं है? कहा पटवारी। तब वो टॉर्चर नहीं है रे, रियलिटी है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो उनके जैसे मेरे जैसे लॉरी चलाते हुए मजदूरी का काम करते हुए जीना होगा। अगर अच्छे से पढ़े तो अच्छी नौकरी कर सकते हो, खुशी से जी सकते हो। तुम्हें इस उम्र में कुछ नहीं पता रे, बेचारी तुम्हारी माँ आए दिन मुझे फोन करके दुखी होती है, इसीलिए ऐसे किया रे, सॉरी। कहा विजयकांत बदल गया और वो पटवारी से माफी मांगा। बाद में घर जाने के बाद वो कॉलेज को अच्छे से जाने लगा।